इस वीडियो में हम KCK इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कंपनी के IPO की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कंपनी के फाइनेंशियल, IPO डिटेल्स और मेरा क्या ओपिनियन है इस IPO को लेकर, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है शुभांश चौरसिया, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में समझ लेते हैं कि कंपनी किस फील्ड से रिलेटेड है। अब देखिए, देखा जाए तो ये जो कंपनी है, मेनली यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई क्वालिटी कंबर्टेड एंड कॉर्डेड कॉटन यान का ये लोग ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करने का बिजनेस करते हुए नजर आते हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो यार्न वगैरह से जुड़ी हुई ये कंपनी है। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है द यार्न आर यूज्ड फॉर, यानी कि यार्न के जो यूज होते हैं वो बताए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अप्रैल या अंडर गारमेंट जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें भी यूज होते हैं, टेरी टॉवल्स बनाने में यूज होते हैं, डेनिम्स बनाने में यूज होते हैं, मेडिकल फैब्रिक बनाने में यूज होते हैं, फर्निशिंग फैब्रिक्स एंड इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स बनाने में भी ये यार्न का यूज किया जाता है। तो ओवरऑल कहा जाए तो यार्न से जुड़ी हुई एक कंपनी है। अब देखिए, बात करते हैं कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, यहाँ पर फोकस ऑन क्वालिटी एंड इनोवेशन, नेक्स्ट है एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड वेल ट्रेंड एम्प्लॉय बेस, क्वालिटी इंश्योरेंस, एंड नेक्स्ट है यहाँ पर कॉर्डियल रिलेशन विथ अवर कस्टमर एंड सप्लायर, नेक्स्ट है इंप्रूविंग फंक्शनल एफिशिएंसी। अब देखिए, यहाँ पर कुछ ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बताए गए हैं। अब देखिए, बात करते हैं फाइनेंशियल की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देख सकते हैं फाइनेंशियल को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, टोटल एसेट्स वैल्यू, टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको दिखेगी वो लाख में दिखेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं टोटल एसेट्स वैल्यू की। टोटल एसेट्स वैल्यू अगर मार्च 2019 में देखा जाए तो 1725 लाख के आसपास रही थी, वहीं अगर बात करें मार्च 2020 की तो 2148 लाख के आसपास ये होती हुई नजर आई, यानी कि यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली। वहीं मार्च 2021 की बात करें तो 3093 लाख के आसपास ये हो गई। वहीं दिसंबर 2021 तक बात करें, यानी कि मार्च से 6 महीने के अंदर, आप लगभग आप देखें 9 महीने के अंदर ये 3665 लाख के आसपास होती हुई नजर आई। यानी कि आप देख सकते हैं एसेट वैल्यू लगातार इस कंपनी की बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं टोटल रेवेन्यू की अगर बात करें तो मार्च 2019 में रेवेन्यू 4094 लाख के आसपास रहा था, वहीं मार्च 2020 में ये बढ़कर 5150 लाख के आसपास होता हुआ नजर आया। वहीं मार्च 2021 की बात करें तो 3913 लाख के आसपास हो गया, यानी कि यहां पर थोड़ा सा कमी देखने को मिली। लेकिन आप देख सकते हैं दिसंबर 2021 तक, यानी मात्र 9 महीने के अंदर ही ये यहां पर और भी तेजी से ग्रो करते हुए नजर आए और ये 4453 लाख के आसपास पहुंचते हुए नजर आए। यानी कि डिसेंट सा ग्रोथ इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करें, देखिए प्रॉफिट किसी कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रॉफिट अगर देखा जाए तो मार्च 2019 में इनका प्रॉफिट 20.71 लाख के आसपास था, वहीं मार्च 2020 में यह बढ़कर 31.91 लाख के आसपास होता हुआ नजर आया। वहीं मार्च 2021 की अगर बात करें तो 19.25 लाख के आसपास प्रॉफिट हुआ, यानी कि प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली। लेकिन आप दिसंबर 2021 में आप देखें, मात्र 9 महीने के अंदर इनका जो प्रॉफिट है करीब 99.95 लाख के आसपास होता हुआ नजर आया, यानी प्रॉफिट आप देखेंगे करीब करीब 5 गुना बढ़ता हुआ नजर आया। यानी कि काफी बढ़िया ग्रोथ इस कंपनी में देखने को मिल रही है। और देखिए, यहां पर आप देखें इस कंपनी के जो जैसे रेवेन्यू वगैरह अगर देखा जाए तो काफी बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो निश्चित रूप से कंपनी का जो कारोबार है वो काफी उच्च लेवल पर मुझे लगता है चलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, बात करते हैं IPO डिटेल्स की, तो ये IPO 27 से 30 जून के बीच ओपन होने जा रहा है अप्लाई करने के लिए। 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर इसका फेस वैल्यू रखा गया है, 30 रुपये पर शेयर आपको यहाँ पर अलॉट होगा, यानी इसका प्राइस 30 रुपये रखा गया है, 30 रुपये में आपको एक शेयर मिलेगा। वहीं अगर बात करें लॉट साइज़ की तो 4000 शेयर से एक लॉट में रहेंगे, यानी मिनिमम आप 4000 शेयर्स के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे। इशू साइज़ की बात करें तो 4.50 करोड़ के आसपास का ये टोटल इशू होने वाला है, जिसके ज़रिए करीब 15 लाख शेयर मार्केट में आएंगे ट्रेड होने के लिए। और देखिए, सारे के सारे शेयर यहाँ पर फ्रेश इशू के ज़रिए लाए जा रहे हैं, यानी कि जो भी पैसा आएगा कंपनी के पास ही जाएगा और कंपनी के अलग अलग कामों में
लिए यूज़ किया जाएगा। वहीं लिस्ट इशू टाइप की बात करें तो फिक्स प्राइस इशू है, और लिस्टिंग की बात करें तो NSE SME में ये IPO लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो 50% का रिजर्वेशन आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। अब देखिए बात आती है कि अपना कंपनी अपना IPO क्यों लेकर आ रही है, कंपनी को क्यों पैसों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बताया गया है, तीन कारण बताए गए हैं, टू पार्ट फाइनेंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, टू मीट अ जनरल कॉरपोरेट पर्पस एंड टू मीट द एक्सपेंस ऑफ द इशू। यानी ये तीन कारण हैं जिसके कारण कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर लॉट साइज की, तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 4000 शेयर्स रहेंगे और 1,20,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। वहीं मैक्सिमम भी आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 4000 शेयर्स रहेंगे और 1,20,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। देखिए ये IPO की सारी डिटेल्स हो गई, फाइनेंशियल कैसे हैं वो मैंने आपको बताया, कंपनी का कारोबार यार्न से रिलेटेड है ये भी मैंने आपको बताया। अब बात आती है कि भाई ये IPO में अप्लाई करना है कि क्या यहाँ पर हमें फ़ायदा हो सकता है, क्या यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए ये IPO कैसा रहेगा। देखिए जो SME IPOs होते हैं, जो SME कंपनीज होती हैं, वो काफ़ी छोटी कंपनीज होती हैं, स्मॉल कंपनीज होती हैं। तो इन कंपनीज़ में हमेशा आपको लंबे समय के लिए पैसा लगाना होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो छोटी कंपनीज़ है उसमें आप पैसा लगा देते हैं और धीरे धीरे जब कंपनी ग्रो होती है तो आपका भी पैसा यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आता है, तो उस टाइप की ये कंपनी होती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है यानी वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर खरीदने लायक एक शेयर है, लेकिन निश्चित रूप से रिस्क हमेशा रहता है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि जो छोटे निवेशक हैं वो इसको अवॉइड करें, छोटे निवेशकों को ये अवॉइड करना है, जो बड़े निवेशक हैं जिनका करोड़ों में कारोबार है वो इस IPO में अप्लाई करके अपना जो किस्मत है वो आजमा सकते हैं। बाकी जो रिस्की निवेशक हैं, जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना जानते हैं, वो भी इस IPO में पैसा लगा सकते हैं। तो मैं आपको एक बार और फिर से बता दूं, जो बिल्कुल सेफ निवेशक हैं, बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं जानते या रिस्क नहीं लेना चाहते या छोटे निवेशक हैं, वो इस IPO से भी दूर रहें, इस IPO में अप्लाई ना करें। लेकिन जो निवेशक रिस्क लेना जानते हैं, बड़े निवेशक हैं, यानी कि जिनका जो पूरा पोर्टफोलियो है एक करोड़ या दो करोड़ या बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और उनको नई नई कंपनीज में इन्वेस्ट करने में मज़ा आता है, वो इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये कंपनी मुझे लगता है कि आगे चलकर ग्रो कर सकती है, क्योंकि इनके जो फाइनेंशियल हैं वो काफ़ी बड़े लेवल पर ये लोग काम करते हुए नज़र आते हैं और कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि कंपनी टिक जाएगी और आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा मुनाफा होता हुआ नज़र आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो छोटे निवेशक हैं, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जो छोटे निवेशक हैं या फिर जो कम रिस्क लेने वाले निवेशक हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, वो इस IPO से दूर रहें। रिस्की निवेशक, बड़े निवेशक इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं और अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। फिर देखिए रिस्क तो हर जगह रहता है, वो आपको मेंटेन करना होता है। देखिए ये जो मैंने आपको बताया ये अपने हिसाब से बताया, अपने रिसर्च से बताया। अगर आप इसमें कुछ भी करते हैं, आपको प्रॉफिट लॉस होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद ही होंगे। अगर आप इसमें कुछ भी करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करें, उनसे चर्चा करें, उनसे इसके बारे में डिस्कस करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको बताया गया है। आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।